आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भारत देश में वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत नहीं बल्कि वन नेशन वन एजुकेशन की जरूरत है। ये बात उन्होंने हरियाणा के भिवानी में आम आदमी पार्टी के राज्य स्तरीय कार्यकर्ता शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अपने संबोधन में कही। उन्होंने भाजपा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन भाजपा का चोचला है। आज देश को वन नेशन वन एजुकेशन वन नेशन वन इलाज की जरूरत है। आम आदमी पार्टी को वन नेशन वन इलेक्शन से कोई सरोकार नहीं तथा आम आदमी पार्टी को इससे कोई लाभ भी नहीं। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश भर से आए आम आदमी पार्टी के लगभग 4000 पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और कहा कि अगले 15 अक्टूबर तक हरियाणा के लगभग 20,000 बूथों पर बूथ वाइज 10,000 कार्यकर्ताओं का संगठन तैयार किया जाएगा। इस प्रकार आम आदमी पार्टी का हरियाणा प्रदेश में अगले 1.5 माह में 2,00,000 कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा संगठन होगा, जो भाजपा के संगठन से भी बड़ा होगा। अरविंद केजरीवाल ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से साफ कहा है कि जो कार्यकर्ता टिकट या पद के लालच में उनकी पार्टी में आए हैं तो ऐसे व्यक्तियों को समझना चाहिए कि ये पार्टी उनके लिए नहीं है। यहाँ देश के लिए काम करने वाले ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत है जो अपना घर फूंक कर देश के काम करने को तैयार हों। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये भी अपील की है कि यदि पार्टी में गुटबाजी होती है तो वह संगठन खत्म हो जाता है, इसलिए कार्यकर्ताओं को गुटबाजी से दूर रहकर घर घर जाकर लोगों से संपर्क बनाना चाहिए और सरकार की नीतियों का प्रचार करना चाहिए। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यदि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली व पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में बिजली फ्री की जाएगी। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आलोचना करते हुए कहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लोगों को आधारभूत चीजें फ्री देने की आलोचना की है, जबकि आम व्यक्ति को शिक्षा व स्वास्थ्य फ्री देना किसी भी राज्य का दायित्व बनता है। मेरे दिल में बड़ी तकलीफ हो रही है। दुनिया भर में दुनिया के बड़े बड़े अखबारों के फ्रंट पेज पे क्या छुप रहा है कि पूरी भारत सरकार केवल एक आदमी के लिए काम कर रही है। किसके लिए काम कर रही है? बड़े बड़े अखबारों में दुनिया भर में छुप रहा है कि भारत सरकार घोर भ्रष्टाचार कर रही है, पूरी भारत सरकार एक ही आदमी के लिए काम कर रही है। वोट 140 करोड़ लोगों के लिए चाहिए, लेकिन वन नेशन वन दोस्त एक आदमी के लिए काम करती है। हमारे देश का युवा आज दर दर की ठोकरें खा रहा है बेरोजगारी से, लेकिन जब जाते हैं इनके पास तो पूरी सरकार सारे एयरपोर्ट उठा के दे दिए उसको, सारी कोयले की खदानें उठा के दे दी उसको, आसमान उठा के दे दिया, पाताल उठा के दे दिया, सारा भारतवर्ष और वोट लेने के लिए हमारे पास। अभी प्रधानमंत्री जी कहीं गए थे, ब्रिक्स में गए थे। लौटते टाइम ग्रीस होते हुए आए, लोगों ने कहा यार बड़ा मेहनती प्रधानमंत्री है। ग्रीस होते हुए आते वक्त पता चला वहां भी उसके लिए ठेका लेने गए थे, उसको ठेका तो ना के आए वहां भी किसी कोई। अरे देश के लिए काम कर रहे हो तो उसे आदमी के लिए काम कर रहे हो। 24 घंटे कहते हैं 18 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे हमारे लिए थोड़ी काम करते हैं, 18 घंटे उसे एक आदमी के लिए काम करते हैं, पूरी की पूरी सरकार उसके लिए काम करती है। लूट लिया पूरे देश को इन्होंने, हमारी दिल्ली के खूब काम रोकने की कोशिश करी। आज मजे की बात है, दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाने शुरू किए, दिल्ली में अभी 125 मोहल्ला क्लिनिक बने हैं और भगवंत मान ने एक साल के अंदर 750 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। मैं बोला मेरे भाई को तो मेरे से भी आगे निकल गया, क्यों इन्होंने हमारे को दिल्ली में काम नहीं करने देते? उसके बावजूद हमने दिल्ली में इतने काम कर दिए। तीसरी बार दिल्ली की जनता ने हमको 70 में से 62 सीट दी, तो कुछ तो अच्छा कर ही रहे होंगे, इसलिए दिल्ली की जनता ने इतनी सीट दी। अभी इस पर रिसर्च हुई तो शायद मेरे को नोबेल प्राइज मिल जाए कि इतनी काम रोकने के बावजूद इस साल में इतने काम कैसे कर। पहले से ही बेटा था भ्रष्टाचार की तो सीमा ही खत्म हो गई, कोई सीमा नहीं छोड़ी। कोई स्कूल नहीं इन्होंने बनाए, कोई अस्पताल इन्होंने नहीं बनाए, कोई सड़कें इन्होंने नहीं बनाए, पूरा बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने हरियाणा। और कल जब खट्टर साहब बोले एक पार्टी है जो आती है और कहती है ये फ्री दे देंगे वो फ्री दे देंगे फलाना फ्री दे देंगे,
मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम अपने देश के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा फ्री में देते हैं तो कोई गुनाह करते हैं क्या? अपने देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा फ्री में देके इससे बड़ा कोई राष्ट्र निर्माण का काम हो सकता है? कोई काम नहीं हो सकता इससे। अगर हम अपने देश के लोगों को, गरीब लोगों को, उनके लिए अच्छे अस्पताल बनाते हैं, उनके लिए अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, उनका अच्छा इलाज कराते हैं, उनको फ्री में दवा दारू का इंतजाम करते हैं, तो बताओ कौन सा कोई पाप करते हैं क्या? हम लोग घर घर जाएंगे, परिवार जोड़ो आंदोलन, पूरे एक एक परिवार के घर जाना, एक एक परिवार, हरियाणा के एक एक परिवार में जाना पड़ेगा और जाके शक्ल नहीं दिखानी, बैठना है, हर एक के घर की चाय पी के आनी है, चाहे दूध पी के आना है। हरियाणा में दूध पीते हैं, चाय नहीं पीते है कि नहीं है? दूध दही का खाना देशा में देश हरियाणा, तो चाहे दूध पी के आना है, चाहे चाय पी के आना, हर एक के घर जाना है, बैठना है, बात करनी है, उनको बताना है कि केजरीवाल हरियाणा का ही है, मारा ही छोरा है, अगर उसने दिल्ली ठीक कर दी तो हरियाणा में भी तो बुला लो केजरीवाल ने, हरियाणा भी ठीक कर देगा वो। एक एक घर में जाके लोगों से बात करनी है, लोगों को कहना है कि फोन करके पूछ लो, ठोक के जैसे भी भगवंत मानने का विश्वास बात में करना, पंजाब में फोन करके पूछो, दिल्ली में फोन करके पूछो, अगर एक भी आदमी दिल्ली का कह दे केजरीवाल ने काम नहीं किया वोट मत देना, अगर एक भी आदमी पंजाब का कह दे भगवंत मान ने काम नहीं किया वोट मत देना, बताओ कोई है ऐसा जो ऐसा बोल सकता? आज खट्टर साहब खड़े होकर बोल सकते हैं कि अगर मैंने 5 साल को काम नहीं किया तो मेरे को वोट मत देना? नहीं बोल सकते खट्टर साहब, क्योंकि काम करा ही नहीं है उन्होंने। आज अगर खट्टर साहब बोलते उनके परिवार वाले वोट नहीं देंगे उनको, उन्होंने कुछ काम नहीं करा। ये जितने कार्यकर्ता आप लोग बैठे हैं इनमें से 90% से ज्यादा कार्यकर्ता वो हैं जो हरियाणा के आम लोग हैं, आम किसान हैं, आम व्यापारी हैं, आम सर्विस करने वाला आदमी है। कभी जिंदगी में आप में से 90% से ज्यादा लोगों ने कभी जिंदगी में राजनीति नहीं करी, राजनीति से नफरत थी हम लोगों को। अगर यही लोग ठीक काम कर लेते तो हमको राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ती? मैं भी खुश था, आप भी खुश थे, हम लोग किसने हम लोग राजनीति में, आप सब लोगों को आज यहाँ राजनीति में आने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने लूट लिया देश को, इन लोगों ने लूट लिया हरियाणा को, इसलिए आज हम लोगों को यहाँ। इनमें से 90% से ज्यादा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कब तक घर बैठेंगे, कब तक लूटते हुए देखेंगे हरियाणा को, कब तक लूटते हुए देखेंगे देश को? हमारा फर्ज बनता है हमें बाहर निकलना पड़ेगा। मेरे को याद है जब अन्ना आंदोलन में मैं होता था, अन्ना आंदोलन में जब इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, अन्ना जी से मेरा काफी वाद विवाद होता था, अन्ना जी कहते थे राजनीति कीचड़ है, मैं अन्ना जी को कहता था अन्ना झाड़ू देके इस कीचड़ में खुद उतरना पड़ेगा और कोई चारा नहीं बचा, बाहर बैठते सफाई नहीं होगी, बाहर बैठते भूखड़ताल करते रहेंगे, अब अंदर घुसना पड़ेगा, सफाई खुद ही करनी पड़ेगी। मैं आज आप लोगों को बधाई देता हूं इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, लेकिन बहुत कठिनाइयां आएंगी, बहुत मुश्किलें आएंगी, ताने भी देंगे लोग। अभी जैसे अनुराग ढांडा जी बता रहे थे, जब गांव में जाओगे, घर में जाओगे, पड़ोसी भी ताने देंगे, अरे कौन सी पार्टी में जुड़ गया, छोटी सी पार्टी है, खत्म हो जाएगी ये कल तक। पहले तो ये अमित शाह चारों तरफ कहते घूमते थे, बस यूं कल ही खत्म कर देंगे, कल ही खत्म कर देंगे, करते करते हम पंजाब में भी आ गए। दूसरी चीज, गुटबाजी मत करना, गुटबाजी से कोई भी संगठन खत्म हो जाता है, उसको तय हो जाता है। हमने देखा बड़े बड़े संगठन, बड़ी बड़ी पार्टियां गुटबाजी की वजह से खत्म हो गई। गुटबाजी बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से घर घर जाके अपने को काम करना है, एक ही लक्ष्य है, जैसे अर्जुन की आंख की तरह वो मछली की आंख उसने देख तीर चलाया था, उसी तरह से एक ही लक्ष्य हमारा, हरियाणा में किसी भी हालत में अपने को आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है, और जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी नहीं तब तक चैन से खाएंगे पिएंगे नहीं सोएंगे नहीं। मंजूर है?
गए थे, गांव गांव में गए थे, बिजली आंदोलन किया था। कितना बुरा हाल है हरियाणा के अंदर, एक छोटा सा कमरा किसी का, एक बल्ब, एक पंखा, एक कूलर, और 10,000 रुपए का बिल आ रहा है, 15,000 रुपए का बिल आ रहा है, 5,000 रुपए का बिल आ रहा है, कोई अंत ही नहीं है। जितना मर्जी बिल बना के भेज देते हैं, उलट सुलट बिल बना के भेज देते हैं। वो बेचारा आदमी बिल ठीक कराने के लिए जाता है, कितने 5,000 रुपए रख कर बिल ठीक करूंगा, करते कि नहीं करते, पैसे मांगते हैं, इतने रुपए रख तब बिल ठीक करेंगे। इतना बिल कैसे आ सकता है, सारे गलत बिल आ रहे हैं। सबसे ज्यादा महंगी बिजली आज हरियाणा के अंदर मिल रही है, और मुझे बड़ी शर्म आई कल जब आपके मुख्यमंत्री खट्टर साहब आके कहते हैं फ्री 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 फ्री। अरे खट्टर साहब, आपकी बिजली फ्री है कि नहीं है? खट्टर साहब की बिजली फ्री है तो हरियाणा के लोगों की बिजली फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? खट्टर साहब की बिजली फ्री, खट्टर साहब के मंत्रियों की बिजली फ्री, और जनता उनके पैसे देगी, क्यों भाई हम ही बेवकूफ दिख रहे? तो दोस्तों, मैंने देखा लोग कई गांव के अंदर लोगों ने इकट्ठे होकर अपने बिलों की होली जलाई है, बिल जलाई कि नहीं जलाए लोगों ने, कई कई जगह इकट्ठे होकर लोगों ने बिल जलाए, और चलो बिल भी भर रहे हैं लोग, 8-8 घंटे 10-10 घंटे के पावर कट लग रहे हैं, बिजली नहीं आती, बिल आते हैं। और मेरे को अभी पता चला पंजाब के अंदर किसानों को बिजली के बिल नहीं देने पड़ते, खेती के लिए बिजली फ्री है पंजाब में, हरियाणा में किसानों को बिजली के बिल देने पड़ते हैं। केजरी का जी का मुख्यमंत्री है जी, उधर क्यों जा रहे हैं, इनको दिल्ली और पंजाब में रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, आपके सुनने से कहीं कहां तक जाओगे कि मैंने किया है। हमने बहुत कुछ किया है, इसलिए लोगों को बताने जा रहे हैं देश में कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लोगों के पक्ष में फैसले हो सकते हैं। नियत साफ चाहिए, इनकी नियत नहीं अच्छी, लूट के खा गए देश को, शहीदों के कफनों तक खा गए ये लोग, और हर रोज नए से नया झूठ, नया झुमला। आजकल भारतीय जनता पार्टी की झुमला बनाने वाली फैक्ट्री 24 घंटे काम कर रही है, क्योंकि आगे झुमले बेचने का समय आ रहा है 2024 में, वो झुमले आपको बेचेंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या, 15 लाख आ जाएगा, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, हर बात झुमला, हर बात झूठी निकली। मैंने पार्लियामेंट में बोला था, तुम्हें भी सुना देता हूं, पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है, कलम रुक जाती है, हर बात ही झुमला निकली। अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है, मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब, नहीं आती होगी, ये भी झुमला ही है, क्योंकि वो स्टेशन उस समय बने ही नहीं था जब साहब कह रहे थे मैं चाय बेच रहा था वहां पे, पता नहीं तो पटरी बनाने वालों को बेच रहा था भी, कहां बेच रहा था, रे तो नहीं थी। मुझे किसी ने बड़ा अच्छा बक्सर पे भेजा कि एक बच्चा छोटा था, छोटा बच्चा ट्रेन के डिब्बों में चाय बेचता था, बड़े होके उसने ट्रेनिंग बेच दी, सब कुछ बेच दिया, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी, कौन सी ऐसी सरकारी संस्था है जो नहीं बेची, और बेचते भी अपने एक ही दोस्त को है, एक ही दोस्त को बेचते, वो बड़ा होता जा रहा है। पहले कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, अब क्या है, बाकी सबको लात, सिर्फ एक आदमी का विकास बस। तो देश की राजनीति को
वॉलंटियर, हमारे पदाधिकारी, हमारे बूथ इंचार्ज बैठे यहां। जैसा कि स्टेज पर बोलते हुए कहा गया, ये रैली नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस वाले या दूसरे कोई इसको रैली ना समझ ले, ये तो हमारे एक वॉलंटियर मीटिंग है, वॉलंटियर मीटिंग है। मुझे कई बार पत्रकार पूछ लेते हैं कितनी सीटें आएंगी, दिल्ली में भी पूछते थे, पंजाब में भी पूछते थे कितनी सीटें आएंगी। मैंने कहा जी आएंगी, बहुत अच्छी सीटें आएंगी, लोग प्यार कर रहे हैं। कहते जी आप सर्वे में तो आ नहीं रहे, टीवी पे किसी भी सर्वे में आ नहीं रहे। मैंने कहा जी आम आदमी पार्टी है, ये सर्वे में नहीं आती है तो सीधा सरकार नहीं आती है, दिल्ली में भी ऐसा, पंजाब में भी ऐसा, किसी सर्वे में नहीं आया, सरकार में आए। क्योंकि जो जगह दिलों में बनी होती है वो किसी सर्वे में नहीं आ सकती। जो दिलों से प्यार, दिल से प्यार जो आप अरविंद केजरीवाल जी को करते हो, और आपके बिल्कुल इस बगल में दिल्ली है, इस तरफ पंजाब है, कोई झूठ नहीं बोल रहे। पंजाब से बहुत से लोग यहाँ पे आए हुए हैं भाई साहब, दिल्ली फोन कर लो अपने रिश्तेदारों को, पंजाब फोन कर लो, कोई भी ऐसी बात हम नहीं करेंगे जो हमने ना की हो और यहां वादा कर ले। हमने दिल्ली और पंजाब में बिजली के बिल जीरो किए हैं, आप पूछ लेना भाई साहब, बाद में यकीन करना हमारे पे। यह आम आदमी पार्टी है, वो तथ्य कह रही थी कि पहले करो फिर विश्वास करो। हम ये कहते हैं कि पहले हमारे में इधर उधर बातचीत करो फिर हमारे पर विश्वास करो, क्योंकि हम सब लोग विश्वास कराए। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बिजली फ्री की, पंजाब में सरकार का भी वादा किया था 90% के आसपास घरों को बिजली का बिल जीरो आता है, ऐसा जीरो बिजली का बिल, ना रंजीत चौटाला आता है, ना कोई एक्सीडेंट आता है, बिजली 24 घंटे आती है, बिल नहीं आता है। ये हमारी गारंटी है, गारंटी दी थी हमने। मोहल्ला क्लिनिक पंजाब में बन रहे, दिल्ली में बना रखे, तो बस यही बन रहा है इनको। यार ये हम लोगों को सहूलत कम देते, वो कहते ना आज भी कह रहे थे डॉक्टर साहब केजरीवाल रेवड़ियां देता है, 300 यूनिट फ्री, दवाई फ्री, बसों में महिलाओं को सफर फ्री, शिक्षा फ्री, लोगों को आम जनता को, तो हमने कर दी। एक भी रुपया दिल्ली पर और पंजाब पर कर्ज नहीं चढ़ने दिया भाई साहब, कर्जा लेके नहीं कर रहे काम। यार हम लीकेज रोक के खजाना भी भर रहे हैं और खजाने का मुंह जनता की तरफ कर रहे हैं। तो कह रहे हैं मोदी जी ये उनकी सारी टीम खतर, केजरीवाल रेवड़ियां बांटता है। अच्छा हम किसी गरीब को 300 यूनिट मुफ्त दे दे, हम किसी गरीब की दवाई के पैसे दे दे, हम किसी गरीब के बच्चे की किताब मुफ्त दे दे पढ़ने वाली, जिससे वो डीसी बन जाए, जज बन जाए, वकील बन जाए, तो ये रेवड़ी और खुद 15 लाख हर खाते में आ जाएगा। ये वाला पापड़ किसने बेचा था जी,